अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखे कितना जबरदस्त मौसम हो रहा है और ओलिव जो है ना पकने पे आ गए और हम बना रहे हैं आज फिश। और फिश बनाएंगे हम एक न्यू स्टाइल से, ठीक है। अच्छा, सरसों के तेल में बनने वाली फिश जो है बहुत ही मजे की बनती है। अब इसमें हम डालेंगे कम से कम 4-6-8 ये रिप्सल ऑयल। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक आ गया, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ की फिश जो है ना बहुत ज़्यादा नमक वाली होती नहीं, हालांकि है समंदर की, तो इसलिए। अब इसमें डालने लगे हम फिश मसाला, क्योंकि दो हैं तो बस दो के हिसाब से एक स्पून बहुत है, ठीक है। अब हमें खानी है ज़रा थोड़ी चटपटी, तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने भी कुछ मसाले। अभी हम इसको मिक्स मिक्स मिक्स, ये हो गई मिक्स। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी, ऐड करने लगे हैं हम थोड़ी सी ये हल्दी भी चली गई और थोड़ी सी ये मिर्च भी चली गई। हालांकि मसाला है इसमें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। और ये इसमें खिम मैं डालने लगी हूँ आटा, जो कि मैदा है, आप कोई भी रोटी पकाने वाला भी डाल सकती हैं। तो ये चला गया इसके अंदर 2-3.5 टेबल स्पून, सही है। अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। मिक्स मिक्स में खूब अच्छे से मिक्स होगा, ठीक है। हमने इसको अच्छे से लगा दिया है मसाला खूब प्यारा सा, और अब हम इसको डालने लगे हैं फ्राई पैन में। अब इसमें डालेंगे हम हल्का सा ऑयल और, ताकि अच्छे से हमारी जो फिश है वो तल जाए। हम इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, लेकिन क्योंकि हम वैसी वाली फ्राई नहीं बना रहे, थोड़ा सा मसाले वाली सी है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छुपा देंगे 5-6 मिनट के लिए, ठीक है। और चूल्हे को कर देंगे बिल्कुल आइस पर, ताकि मसाला ना जले, ठीक है। अब हमें 6-7 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अब ये जो है हम पलटने वाले हैं। देखें कैसी खूबसूरत सुनहरी सुनहरी बनी है और बहुत ही गल गई, क्योंकि यहाँ फ्रेश फिश मिलती है तो बहुत जल्दी ना ये गल जाती है। अब हमने इसे पलट दिया, अभी से हम तकरीबन 4 मिनट ही बनाएंगे, सिर्फ 4 मिनट के लिए। अब हम इसे छुपाएंगे नहीं, अभी इसे ओपन हम जो है पकाएंगे मीडियम लो पे। माशाल्लाह, हमारी फिश हो गई रेडी और अब हमने डिश आउट कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, एकदम तरोताज़ा। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और आप बनाएंगे, बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है, इटालियन लोग इसी तरह बनाते हैं। देखें माशाल्लाह, हमारी फिश हो गई है रेडी और हमने ये चावल बनाए हैं साथ में, थोड़े से मटर चावल और ये फिश, और लेमन डाल के खाएंगे। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। यहाँ की फिश बहुत फ्रेश होती है तो पकने में झटपट हो जाती है एकदम, और टूटती भी नहीं है, माशाल्लाह तबारकल्ला। और बहुत ही टेस्टी है। कुछ हमारे मसाले हैं इसमें अपने मशरकी और कुछ मगरबी, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं है इसमें, प्याज लहसुन ऐसे बस, बहुत ही अच्छी लगती है, इसमें टेस्ट आता है। आई होप कि आपको अच्छा लगे इंशाल्लाह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोबर टेक, दोबर हराना, दोबी जेनिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।